चैनल सो आज मैं आप लोगों के लिए रिक्रिएट करने जा रही हूँ ये मेकअप लुक। और स्पेशलिटी ये है कि ये पूरा मेकअप लुक मैंने सिर्फ एक ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट से रिक्रिएट किया है। आज मेरे पास आपके लिए कुछ स्पेसिफिक टिप्स और ट्रिक्स भी हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और ये सारा मेकअप मैंने LA गर्ल के मेकअप प्रोडक्ट से रिक्रिएट किया है। मैंने कोई भी मेकअप वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल अभी तक ऐसा नहीं देखा था जिसमें LA गर्ल के प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हों रिसर्च करते वक्त, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्रांड को फीचर किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और ब्रांड इस तरीके का करूं, तो कमेंट करना मत भूलिए, मैं डेफिनेटली ट्राई आउट करूंगी। सो स्टार्टिंग ऑफ मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल प्रो बीबी क्रीम, और इसे मैं एज अ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बीबी क्रीम बहुत ही अच्छी है, ब्यूटी बेनिफिट्स साथ ही साथ कवरेज प्रोवाइड करती है, मीडियम कवरेज है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन की तरह वर्क करती है, बट स्टिल एक मीडियम कवरेज ये आपको प्रोवाइड करती है, जो कि डे टू डे बेसिस के लिए काफ़ी परफेक्ट और अप्रोप्रिएट रहता है। सो मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपना LA गर्ल प्रो HD कंसीलर ले रही हूँ, और इसे मैं उन एरियाज़ पे जिन्हें मैं कंसील और हाईलाइट करना पसंद करती हूँ उन एरियाज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि एक ट्राइंगल शेप में अंडर माई आई, मेरे फोरहेड पे, नोज़ पे, क्यूपिड्स को, चिन, और थोड़ा सा वहाँ जहाँ मेरा कॉन्टोर होगा उसके ठीक नीचे अप्लाई कर रही हूँ, और उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। और इसके बाद मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे ब्लेंड कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की फिनिश इतनी अच्छी लगती है कि मैं किसी और सिर्फ ब्रश से सेटिस्फाई नहीं हो पाती। उसके बाद मैं सेम कंसीलर इन द शेड एक्सप्रेसो ले रही हूँ, और उसे मैं अपने फेस के पैरामीटर्स पे अप्लाई कर रही हूँ, आउटर रिम पे, जैसे कि मेरी जॉ लाइन, मेरी चीक बोन, और मेरी चिन एंड फोरहेड, नोज़, और इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड कर रही हूँ रियल टेक्निक्स के ब्लेंडिंग ब्रश से। और उसके बाद एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं अपने नोज़ और अपने लिप कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है, बस आपको इसे सेट नहीं हो जाने देना। इसके बाद मैं LA गर्ल गो ग्लैम पैलेट ले रही हूँ, और इसे ब्रॉन्जर शेड लेके मैं अपने अपने कॉन्टोर एरियाज़ को एक्चुअली सेट कर रही हूँ। ये एक एंगल ब्रश है, और मैंने इंटेंशनली इसी ब्रश को यूज़ किया है क्योंकि मैं एक सेंट्रिक प्रोडक्ट नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये एक्चुअली कॉन्टोरिंग ही ब्रॉन्जिंग शेड है, और आप कॉन्टोर लाइंस पे रेड अंडरटोन्स के पाउडर्स को अप्लाई करना नहीं चाहते हैं। सो मैंने एक ब्रॉन्ज अप लुक लिया है सिर्फ। और इसके बाद में आप देखेंगे मैं इसी पैलेट से एक ब्लश ले रही हूँ, पिंक ब्लश मैंने लिया है, लाइटर शेड ऑफ पिंक ब्लश, और उसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड आई डोंट नो हाउ मैंने फोटेज मिस कर दिया, पर मैंने अपने कंसीलर को ब्लेंड किया था इसी के LA गर्ल के ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर के साथ में की हेल्प से, समहाउ फुटेज मिसप्लेस हुआ है बीच में। सो मैं अब हाइलाइटर ले रही हूँ गोल्डन इसी पैलेट से, और उसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं LA गर्ल का प्रो सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ, उसे मैंने पूरे फेस पे स्प्रे किया है, और उसके बाद मैं अपने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। इसके बाद मैं द न्यूड्स पैलेट ले रही हूँ मैं LA गर्ल का, और इसके ट्रांजेक्शन शेड लाइक थर्ड शेड फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड शेड को लेके मैं इसे एज अ ट्रांजेक्शन अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सेकेंड लास्ट शेड जो कि ब्लैक है उसे लेके एंगल ब्रश की हेल्प से आउटर वी को कार्व आउट कर रही हूँ। ये वैसे तो एक काफ़ी वर्सेटाइल पैलेट है, मगर फिर भी उतना पिगमेंटेड नहीं है, आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है इसे ब्लेंड करने के लिए, पिगमेंटेशन टू द फोर्थ लेके आने के लिए। इसके बाद में मैं इसे एक बिगर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं एक शैम्पेन पिंक शेड जो कि बिगनिंग से फिफ्थ शेड है उसे अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसको अप्लाई करते हुए ही ये मेकअप लुक आई शेडो बेस पे फिनिश हो चुका है, और मैं हाईलाइटर के लिए मैट शेड यूज़ कर रही थी, और मैं अपने आईब्राउज के लिए सेम ब्लैक शेड जो मैंने आउटर वी पे अप्लाई किया है, दी सेकेंड लास्ट शेड, उसे यूज़ कर रही हूँ। इसी वजह से मैं कहती हूँ एक अच्छा ब्लैक या ब्राउन होना आपके आई शेडो में काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद में एक मैं क्लीन स्पूली ले रही हूँ, और उससे मैं अपने आई लैशेस के ऊपर से जो भी आई शेडो फॉल आउट हुआ हो उसे रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में LA गर्ल का मस्कारा नहीं है, नायका पे आउट ऑफ स्टॉक था, मैंने ट्राई किया था और किसी जगह पे मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मैंने LA गर्ल का काजल लिया,
लाइनर पेंसिल है एक्चुअली ये, और उससे मैंने रब किया अपने स्पूली पे, और उसके बाद में मैंने उस स्पूली की हेल्प से अपनी आईज लैशेस के ऊपर मस्कारा की तरह अप्लाई किया और काफ़ी अच्छा लुक आया। मतलब ऐसा नहीं है कि मस्कारा की नीड ख़त्म कर दी उसने, बट स्टिल एक फिनिश्ड लुक आपकी आई लैशेस को ज़रूर मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक काफ़ी कूल सी ट्रिक थी जो मैंने अप्लाई की। इसके बाद मैंने अपनी आईज़ को लाइन किया है, वाटर लाइन पे इसी लाइनर को अप्लाई किया है। इसी से समझिए मैंने तीनों मेजर काम किए हैं, काजल, लाइनर और मस्कारा का, जैसा कि आपने अभी अभी देखा। और इसके बाद में मैं एले गर्ल का पिगमेंट ग्लॉस लूँगी, और इससे ये ऑरेंज शेड में है, और इसे मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया है। मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं हूँ, ये काफ़ी चैपी है, लिप्स को काफ़ी ड्राई कर देता है, तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट यूज़ तो करना ही था। सो ये है फिनिश लुक यू गाइस, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।